स्टूडेंट्स हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स विद क्लोरीन क्लोरीन के साथ हम क्लोरीन गैस जो होती है इसके साथ हम रिएक्शन देखेंगे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का तो यहाँ हमने थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स मेंशन कर दिए हैं सोडियम से स्टार्ट होते हैं सोडियम मैग्नीशियम एलुमिनियम देन सिलिकॉन देन फॉस्फोरसल्फर दैन क्लोरिन इट सेल्फ भी आ गया ठीक है एंड देन आरगॉन ठीक है तो क्लोरीन तो हम इसके लिए पहले ही निकाल देंगे क्लोरीन का तो हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन ही देखेंगे ना ठीक है तो हम यहाँ से इसको ऑलरेडी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर एक और को हम रिमूव करेंगे वो है हमारे पास आर्गॉन आर्गॉन का रिएक्शन ही नहीं होता क्लोरीन के साथ किस वजह से क्योंकि आर्गॉन जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है नोबल गैस आ जाती है ठीक है और नोबल गैस के ऑक्टेट कंप्लीट होता है इस वजह से वो तो कभी चाहेंगे नहीं कि वो किसी और चीज़ के साथ रिएक्शन करें क्योंकि वो तो अनस्टेबल हो जाएंगे तो इसलिए हम देखते हैं कि ये दो एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के हैं जिनको हमने क्या किया रिमूव कर दिया ठीक है तो हमने अपनी लिस्ट में से इन तीनों को रिमूव इन दोनों को रिमूव कर दिया है और बाक़ियों की हम बात कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम बात करेंगे वन बाय वन करेंगे इनको हम जो है वो हॉरिजॉन्टली की जगह वर्टिकली अरेंज कर लेते हैं ठीक है ना ताकि हम इनके रिएक्शंस देख सकें तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम रिएक्शन देखेंगे वो सोडियम का होगा सोडियम का हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन देखेंगे ठीक है सोडियम जो है वो क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में बर्न करेगी और किस तरह से ऑरेंजिश सा फ्लेम हमारे पास प्रोड्यूस होता है और बनेगा क्या हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा टेबल uh, सॉल्ट जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड बन जाएगा ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या बन गया हमारे पास एन ए सी एल यानी कि सोडियम क्लोराइड ठीक है और साथ में इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर देते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ दो क्लोरीन है तो यहाँ पे दो लगा देते हैं यहाँ टू लगा देंगे और यहाँ पर भी टू लगा देंगे ठीक है इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई और एक सॉल्ट बन गया हमारे पास व्हाइट कलर का होता है सोडियम uh, क्लोराइड जो कि टेबल सॉल्ट होता है हम घर में भी यूज करते हैं नमक जो यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट हम क्या करेंगे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन देखेंगे मैग्नीशियम भी हमारे पास जो है वो बेसिकली यहाँ से सॉरी इसको हम देखते हैं कि मैग्नीशियम भी हमारे पास क्लोरीन के साथ जो है वो क्लोरीन के प्रेजेंस में जो है वो बर्न करती है ठीक है क्लो, क्लोरीन के एटमोसफेयर में जहां, जहां क्लोरन हो प्रेजेंट हो तो वहां पर हम देखते हैं मैग्नीशियम को बर्न करें तो हमारे पास क्या बनता है सोडियम क्लोराइड की तरह हमारे पास यहां पर भी मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है अच्छा दोनों रिएक्शंस काफी इंटेंस होते हैं दोनों के साथ जो रिएक्शंस है ना हम देखते हैं कि काफी इंटेंस होते हैं और सोडियम के साथ अगर मैग्नीशियम uh, के साथ अगर हम देखें तो हमारे पास व्हाइट सी फ्लेम आती है ठीक है जिस तरह हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी देखा था ना कि हमारे पास व्हाइट सी फ्लेम आया था ठीक है इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है व्हाइट सी फ्लेम आ रही है ठीक है इस तरह से बर्न होने पर इंटेंस बहुत ब्राइट सी होती है ठीक है फिर हम बात कर लेते हैं कि अब हम देखेंगे क्या चीज अब हम देखेंगे अलुमिनियम का रिएक्शन देखेंगे क्लोरीन गैस के साथ एल्यूमिनियम का क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बन जाता है क्लोराइड बन जाएगा ठीक है यहाँ कौन सा क्लोराइड बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड ए एल सी एल थ्री ठीक है एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे पास पेल येलो सा हमारे पास आ जाता है एक सब्सटेंस आ जाता है ठीक है एक सॉलिड आ जाता है यानी ये हमारे पास पेल येल, पेल येलो टू व्हाइट सा जो है वो ये एक पाउडर फॉर्म में हमारे पास सॉलिड आ जाता है ठीक है और इसको हम देख लेते हैं कि ये एंटी परस्पेरेंट के तौर पर भी यूज होता है बहरहाल हम यहां पर इसकी हमने देखा है कि रिएक्शन हुआ एलोमिनियम का क्लोरीन के साथ तो हमारे पास क्या चीज बनी है इस इक्वेशन को साथ के साथ ही हम बैलेंस करेंगे लेकिन क्लोरीन यहाँ तीन है तो ऐसे करते हैं यहाँ पर हम थ्री लगाएंगे थ्री इंटू टू सिक्स हो गए यहां टू लगा देंगे टू इंटू थ्री सिक्स हो गए क्लोरीन हमारे पास बैलेंस हो गए एलोमिनियम देख लेते हैं टू है तो यहाँ पर भी हम टू लगा देते हैं ठीक है इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन यहाँ पर क्लोरीन के साथ किसका सिलिकॉन का रिएक्शन देखेंगे ठीक है सिलिकॉन के साथ हम रिएक्शन देखते हुए हम यहां देख लेते हैं कि क्लोरीन जब हम सिलिकॉन का पाउडर लेंगे पाउडर फॉर्म में सिलिकॉन को लेंगे और इसका हम क्या करते क्या करेंगे कि हम क्लोरीन गैस जो है उसके ऊपर से पास करवाएंगे ठीक है एक हमने ट्यूब के अंदर सॉरी सिलिकॉन का पाउडर ले लिया और क्लोरीन गैस को उसके ऊपर से पास करवाया ठीक है और हीटेड फॉर्म में सिलिकॉन का पाउडर होगा हीटेड फॉर्म में हमारे पास मौजूद होगा ठीक है क्योंकि ये इतनी आसानी से तो रिएक्ट नहीं करेगा ना तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज बन जाएगी सिलिकॉन क्लोराइड एस आई सी एल सी हम थोड़ा सा कैपिटल लिखेंगे एस आई सी एल और यह बनेगा फोर एस आई सी एल फोर सिलकोन टेट्रा क्लोराइड ठीक है ये हमारे पास एक आ, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है जो कि बहुत ईजिली पेपराइज कर जाता है फ्यूम्स में उड़ जाता है ठीक है तो इसको हम कहते हैं कि सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड बन गया ठीक है ये हम कहते हैं कि लिक्विड होता है और यहाँ पर इक्विशन देखो हम बैलेंस भी करेंगे साथ के साथ यहाँ फोर क्लोरीन है तो यहाँ टू लगा देते हैं इक्वेशन बैलेंस हो गई सही उसके बाद हम आते हैं हमारे पास होता है फास्फोरस और उसके बाद होगा आ, हम देखते हैं सल, सल्फर ठीक है तो यहाँ पर हम बात करेंगे फास्फोरस और सल्फर की फर्स्ट ऑफ ऑल फास्फोरस की बात करेंगे फास्फोरस का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर हम देख लेंगे वंस अगेन ये फॉस्फोरस जो हमारे पास होगा ये मोलिकुलर फॉर्म में होगा यानी कि पी फोर की फॉर्म में होगा और होता क्या है अगर इसकी हम बात करें कि हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं हम फॉस्फोरस को ये वाइट कलर का होता है सॉलिड होता है इसको हम मेल्ट कर लेते हैं ठीक है थीके? इसको मेल्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं ड्राई क्लोरीन गैस जो है वो उसके ऊपर से पास करते हैं जब हम ऐसा करते हैं तो होता क्या है कि हमारे पास फॉस्फोरस क्लोराइड के वेपर्स बन जाते हैं ठीक है थीके? तो इस तरह से हमारे पास फॉस्फोरस क्लोराइड आ गया और इसको हम यहां से ऐसा करते हैं कि बैलेंस भी कर लेते हैं बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर थ्री लगाएंगे क्योंकि थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पर टू लगाएंगे टू इंटू थ्री सिक्स हो जाएंगे क्लोरीन बैलेंस हो गए ठीक है लेकिन हम देख रहे हैं फॉस्फोरस बैलेंस नहीं है ठीक है तो ऐसा नहीं करते हम फिर हम क्या देख लेते हैं फॉस्फोरस फोर है चले अगर हम यहाँ फोर लगाए तो क्या हो जाएगा फॉस्फोरस तो बैलेंस हो गए लेकिन क्लोरीन हम देखते हैं थ्री इंटू फोर ट्वेल्व हो गए ठीक है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा सिक्स लगाना पड़ेगा टू इंटू सिक्स ट्वेल्व ठीक है इस तरह से हमारे पास फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड आ गया अच्छा फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड को ही फर्दर अगर क्लोरीन पास करते जाए ना तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो फॉस्फोरस का जो है वो दूसरा क्लोराइड भी आ जाता है यानी पेंट क्लोराइड भी आया फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड लेकिन हम देखते हैं कि यहां पर हम ऐसा करते हैं इसी का रिएक्शन देखेंगे क्लोरीन के साथ इसी तरह देखेंगे रिएक्शन ठीक है हम इसी को ले आते हैं कि अगर फॉस्फोरस का हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं एक और तरीका भी होता है हमारे पास रिएक्शन करवाने का हम देखते हैं हमने फॉस्फोरस जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर हमने इसका जो है वो सोलूशन बना लिया ठीक है कार्बन डाइसल्फाइड के

ठीक है ना और ये हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास होता है ये वाइट क्रिस्टलाइन लाइन से सॉलिड होता है ठीक है इसको भी हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे यहाँ हमें फोर लगाना पड़ेगा क्योंकि फॉसफोरस फोर हैं फोर इंटू फाइव ट्वेंटी होते हैं यहाँ टू है तो ऐसा करते हैं इस प्लस साइन को हम थोड़ा सा इस तरफ को करेंगे ठीक है यहाँ पर कर देंगे और यहाँ पर हमें जो है वो टेन लगाना पड़ेगा ताकि टेन इंटू टू ट्वेंटी हो गए अब ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड है सल्फर की बारी आ जाएगी अब ठीक है यानी कि हम लास्ट वन जो हम डिस्क, डिस्कस करेंगे यहाँ पे एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड यह है सल्फर और यहां पर इसका रिएक्शन हम देखेंगे किसके साथ इसका रिएक्शन हम देखेंगे क्लोरीन गैस के, गैस के साथ ठीक है यहां पे हम क्लोरीन गैस के साथ इसका रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ हमने लिखी क्लोरीन गैस यहाँ पे जो रिएक्शन होगा हम देख लेते हैं वन सेकेंड हम देखेंगे सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में नहीं बल्कि यहाँ देखते हैं जिसका मॉलिक्यूल होगा एलिमेंटल मोलिकुलर फॉर्म में जो यहाँ मौजूद होगा हम देखते हैं कि एस एट के फॉर्म में होगा ठीक है इसका एक मॉलिक्यूल में एट एट एस के हम कहते हैं एट एस के जो है वो एटम्स होंगे ठीक है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका रिएक्शन होगा ये कि एलिमेंटल सल्फर हमारे पास मौजूद होगी और उसके ऊपर से हम क्लोरीन गैस जो है वो पास करवाएंगे ऐसा करने पर क्या होता है हमारे पास यहाँ पर बन जाता है डाई सल्फर डाए क्लोराइड एस टू सी एल टू बन जाता है ठीक है एस टू सी एल टू यानी डाय सल्फर डाइक्लोराइड बन जाता है जिस कंटेनर में या जहां पे भी हम जिस फ्लास्क में हम बना रहे होते हैं इसको ठीक है जिसमें भी हम इसको बनाएंगे एलिमेंटल सल्फर लिया और उसके अंदर जैसे ही हम उसके अंदर क्लोरीन गैस पास करवाते हैं और हम देखते हैं जैसे ही हमारे पास डाय सल्फर डायक्लोराइड बन जाता है तो जो सोल्यूशन होता है जो मिक्सचर होता है हम देखते हैं उसका कलर गोल्डन येलो सा हो जाता है ठीक है यहाँ पे हम इसकी इमेज भी ले आए हैं किस तरह से इस तरह गोल्डन येलो सा इसका सोलूशन हो गया ठीक है किस वजह से क्लोरीन पास करने के बाद जब हमारे पास डायसल्फर क्लोराइड डाइक्लोराइड डाइसल्फर डाइक्लोराइड आया तो इसकी आ, फॉर्मेशन की वजह से ठीक है तो ये हमारे पास क्या होता है एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है इस तरह से हमने देख लिया ठीक है तो हमने देखे क्लोराइड्स बने हमारे पास किसके सल्फर का फॉस्फोरस का इसी तरह सिलिकॉन का एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम इनके हमारे पास क्या बन गए क्लोराइड्स बन गए जब इनके रिएक्शन हुए क्लोरीन के साथ